नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वैप पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। द कश्मीर फाइल्स देख रो पड़े केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा गांव गांव में दिखानी चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर गवाह पर हमला मामले में सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने आईपीएल की बस में की तोड़फोड़। कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर शिमोगा में कमला नेहरू कॉलेज के बाहर मुस्लिम छात्राओं का जमावड़ा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया इस्तीफा। गुजरात में वैक्सीनेशन को लेकर 12 से 14 वर्ष के 22 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। असम में पुलिस की गोली से रेप आरोपी की मौत, मुठभेड़ में 2 महिला पुलिसकर्मी भी जख्मी। श्रीनगर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी को मार गिराया, ऑपरेशन जारी। शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए पूरा पंजाब लेगा आज शपथ। बिहार में सीएजी रिपोर्ट 2019 और 20 आज विधानसभा में पेश की जाएगी। कर्नाटक में 75 स्थानों पर एसीबी की छापेमारी, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू, 60 प्लस आयु के लोग भी प्रिकॉशंस डोज लगवा सकेंगे। श्रीनगर के शंकरपोरा नौगाम में आतंकवादियों और संयुक्त बलों के बीच मुठभेड़ जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूएस कांग्रेस को आज वर्चुअली संबोधित करेंगे। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में हवाई हमले की चेतावनी। पंजाब में भगवंत मान की आज होगी ताजपोशी, शपथ दिलाने भगत सिंह के गांव पहुंचे राज्यपाल। श्रीनगर के नौगाम इलाके में मुठभेड़, पुलिस और सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। दुनिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म में शामिल बेकनेजीर का ऐलान, रूस में बंद करेगी सभी सर्विस। रूस कर सकता रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल, नाटो के सचिव ने दोहराया अमेरिका का आरोप। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैप को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।